हम बता रहे हैं ना अमित, अब लेन देन की अगर कोई बात है कि ये मीडिया में इतने दिन से चली तो हवा में चली, या तो मीडिया वाले झूठ बोले या आप झूठ बोले हैं। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। अमित, हम ये पूछ रहे हैं, ये कब का प्रकरण था, आपने कब छापा मारा था उसके यहाँ? 20 तारीख का। आज कितनी तारीख है? 20 तारीख है। तो भैया 3 दिन से आपने उसमें क्या कार्रवाई की? कार्रवाई नहीं की, क्या कार्रवाई की बताओ? अरे तो भीड़ हो गई थी, आपने 3 दिन में अभी उसके सीज कर दिया, सैंपल भरे, सैंपल भर के भिजवाए। अब अच्छा सुन लीजिए, आप 3 दिन से हम प्रकरण हमारे इसमें लोगों के मीडिया में आ रहा, ये आ रहा कि आपने, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि उसका पैसे का लेन देन चल रहा है, ये चल रहा, इस टाइप की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, इस तरह का काम होगा कि जिससे हमारी छवि खराब हो, कि पैसे का लेन देन हो, अगर कोई भी इस तरह का प्रकरण है तो हम आपको बता रहे हैं, हम आप ना आपको छोड़ेंगे ना उसको छोड़ेंगे। अगर गलत काम के करने के लिए आपको हम बोल रहे हैं, आपने अभी 3 दिन में कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब हम आपने इसको प्रकरण को लिखित में क्यों नहीं हमारे प्रस्तुत किया? हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं, अब हम खुद कार्रवाई, हमने कल भी आपको बोल दिया था कि हम सवेरे तक का टाइम दिया था, आप कार्रवाई करिए। अब हम आपने नहीं किया तो हम अन्य अधिकारियों से कार्रवाई कराएंगे। और इस तरह का बिल्कुल हम बता रहे हैं ना अमित, अब लेन देन की अगर कोई बात है कि ये मीडिया में इतने दिन से चली तो हवा में चली, या तो मीडिया वाले झूठ बोले या आप झूठ बोले हैं कि अरे शिकायत की गई जो भी है, बिल हम बता रहे, हमारा लेन देन से कोई बोल, हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्या लेन देन हमारे रहते हुए कोई लेन देन हो जाए, हम देखो, हम उसको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, ठीक है ना? हाँ, कोई भी जो है फेयर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? तो भी है, आप बिल्कुल फेयर, राकेश नामदेव का है ना प्रकरण? हाँ,